हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि मैं आज अतुल सर की जो किताब है उस पर मैं बातें करने वाला हूँ, और बातें करने के साथ ही साथ आप लोगों को एक चीज़ मैं बताऊँ कि जो भी प्यार आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में दिखाया था उनके बुक रिव्यू पर, वो मुझे काफ़ी पसंद भी आया था, और उन सारी चीज़ों के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों। तो चलिए चीज़ों की शुरुआत करते हैं, और जो इस किताब का जो इंडेक्स है वो एक बार आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। टोटल हमारे पास 15 चैप्टर्स इसमें हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हैं दोस्तों वो सारी की सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। ऐसा कोई पार्ट मुझे लगा नहीं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में छूट गया हो जो कि अतुल सर ने नहीं डाला हो दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को, या फिर कह सकते हैं कि अतुल सर को, इस किताब के लिए थैंक यू मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस किताब के आने के बाद में जो पोस्ट इंडिपेंडेंस की चीज़ें हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, और पढ़ने के ही साथ में कितना मज़ा आएगा तो ज़रा ध्यान देते जाइए दोस्तों। चैप्टर वन के अगर बारे में अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो इंडियन इंडिपेंडेंस की बातें की गई हैं, यानी कि भारतीयों को जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद की जो घटनाएं हैं उसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंस कहते हैं। उसमें भी किस तरह से मिली, क्या इंट्रोडक्शन हुआ करता था दोस्तों, तो इस इंट्रोडक्शन को मैंने किताब को पढ़ ली है, जिसके बाद मैंने बुक रिव्यू करा, आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि सर इस वीडियो पर, इस किताब पर एक एक चैप्टर पढ़ाइए और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा करके जाइए। तो मैंने एक फैसला लिया है कि चीज़ों को मैं शुरू भी कराऊंगा, और आप लोगों के पास में जितने भी सारी चीज़ें हैं, किताब हो ना हो फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, मेरे लेक्चर आप लोग सुनते जाइएगा। लेकिन हाँ, रिक्वेस्ट ज़रूर है, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तुरंत क्लिक करिए दोस्तों और जा करके जो बुक है उसको परचेज करिए हमारे अमेजोन से। तो चलिए दोस्तों, चीज़ों की शुरुआत कराते हैं। और यहाँ पर हुआ क्या कि विद द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार टू इन द 1945, चीज़ें कुछ इस तरह से आई हैं कि एक बात तो आप लोगों को बताऊँ, हर एक चैप्टर से पहले एक कोट है, काफ़ी अच्छा कोट दे रखा होता है, और जो कि अतुल सर के द्वारा चीज़ें दर्शाई गई हैं। तो ये जो कोट है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है, इस कोट का बेसिकली वैसे तो मतलब कुछ इस तरह से है कि द पीस इज नॉट अ रिलेशन ऑफ ए नेशन, इट इज़ द कंडीशन ऑफ द माइंड, दो अबाउट बाय अ सेरेनिटी एंड द सोल। पीस इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ वॉर, इट इज also a state of mind, lasting peace can come only to the peaceful people। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। इसमें हिंदी में अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो मेरी जो क्लासेज हैं वो बाइलिंगुअली चलती हैं, मैं दोनों माध्यम में पढ़ाने में काफ़ी एक्सपर्ट भी हूँ, और आप लोगों को आप पता ही है मेरे बारे में, ना पता होगा तो गूगल करिएगा, सूरज आनंद के बारे में जानिएगा। तो बेसिकली कहते क्या है कि शांति राष्ट्र का रिश्ता नहीं होता है दोस्तों, यह मन की वह स्थिति है जो आत्मा की शांति से उत्पन्न होती है, और शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, यह भी एक मन की स्थिति है। स्थायी शांति केवल शांतिपूर्ण लोगों को ही मिल सकती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात उनके द्वारा कही गई है, और अब चीज़ों की शुरुआत कराते हैं। तो बेसिकली ये किताब में मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं करवाऊँगा, याद रखिएगा, टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ें बताते जाऊँगा, क्यों रीज़न रहा हो, यानी मैं आप लोगों को वाई का आंसर दूंगा। डिटेल में कराने का मतलब क्या है कि आप लोगों को चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा, किताब खरीदना, आप लोग खरीदिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ इतनी अच्छी किताब है, और आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली इंडिया टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, जो टाइम हमारा 1947 तक आ रहा था, 1947 तक दर्शा रहा था, उस टाइम पीरियड की हम बातें कर रहे हैं, उसमें क्या सारी चीज़ें देखी जाती हैं दोस्तों। यहाँ पर 16 मई 1946 का जिक्र है, जो कि क्रिस्प मिशन आया था, हिंदू मुस्लिम के इंडिपेंडेंस की बातें की गई थी। उसी के साथ ही साथ हम आगे देखेंगे कि जो कि कांग्रेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होते जा रहा था, बनता जा रहा था। एम एस जिन्ना यानी जिन्ना साहब ने, आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में पता ही होगा, और मैं आप चीज एक चीज़ और बताऊँ कि ये ब्रिटिशर्स के बहुत ज़्यादा लॉयल हुआ करते थे, जिस वजह से इंडिया के आज़ादी के मिलने के बाद में पहला जो पार्ट है वो इंडिया का पार्ट है वो लॉर्ड माउंटबेटन के हाथ में सौंपा गया, और दूसरा पार्ट जो पाकिस्तान का है वो जिन्ना साहब के
निगरानी में रखा गया दोस्तों। तो ये शुरुआत से ही कितनी बार कांग्रेस आए कांग्रेस से गए ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं दोस्तों। इसी के साथ ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें कुछ इस तरह से आ रही हैं। यहाँ पार्टीशन की बातें की गई हैं, रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन की बातें की गई हैं जो कि जून 1947 में हुआ था, किस तरह से जो बॉर्डर का जो एक सिलसिला है वो चलता आ रहा था और क्या क्या सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर कुछ इस हिसाब से हम कह सकते हैं दोस्तों। तो एक रिलेशन है अब इंडिया और पाकिस्तान का, यानी हिंदू और मुस्लिम को, इसको ख़राब किसी तीसरे बंदे ने करा, जो कि अक्सर यही होता है किसी भी रिलेशन में तीसरे बंदे की एंट्री होते के साथ ही चीज़ें ख़राब होने की शुरुआत देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये काफ़ी अच्छा मैपिंग दे रखा है कि कितने सारे जो पाकिस्तान के इलाके हैं वो दिखाते हैं इंडियन, यानी फिर आप कह सकते हैं इंडिया का जो रीज़न है वो भी दर्शाता है। तो मैप कंपैरिजन बिटवीन प्री एंड द पोस्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया, किस तरह से चीज़ें आती हैं। तो प्री पार्टीशन में तो भाई जहाँ तक आपका इंडिया दिख पाए आप लोग उसको बनाते जाइए, लेकिन पोस्ट की अगर मैं बातें करूँ तो हमारा इंडिया भी एकदम काफ़ी छोटा हो चुका था। तो इस तरह से चीज़ें दर्शाइएगा। रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द पार्टीशन ऑफ कंट्री, बेसिकली अगर पार्टीशन के बारे में अगर बातें करूं तो चीज़ें कुछ इस तरह से आती हैं कि ये आज से ही नहीं दोस्तों, हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है वो काफ़ी पहले से ही दिखाती है। और बेसिकली हम दोनों में, या फिर कहने का मतलब हम भाइयों में लड़वाने का काम हमेशा ब्रिटिशर्स ने किया है और इनका जो फ़ायदा है वो उन लोगों को ही मिलता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मेन जो रीज़न है वो यही उभर करके आता है और उसी के साथ ही कम्युनल राइट्स हो गया, उसी के साथ ही ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स हो गए, फेलियर्स ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से कह सकते हैं कि रीज़न के ही तौर पे हमें दर्शाया जाता है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े, जिन्ना का एटीट्यूड हो गया, यानी कि एटीट्यूड कहने का मतलब कभी वो हिंदुओं की तरफ हुआ करते थे, ज़्यादा चांस वो ब्रिटिशर्स की तरफ रहते थे और दोनों में ही मिल बांट करके खाते थे और इवन कह सकते हैं कि लड़ाई लगवाते थे। फेलियर ऑफ द इंटर्न गवर्नमेंट जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरुआत किया गया था, और इसी के साथ ही साथ हमारा जो मुस्लिमों को ये लगा कि हमारे इंडिया में जो भी सारी चीज़ें हैं वो हमारे फेवर में नहीं हो रही हैं दोस्तों, जिस वजह से इन्होंने सोचा कि एक मुस्लिमों के लिए अलग कंट्री होनी चाहिए। उसी के साथ ही साथ इन लोगों को लगा कि यार कांग्रेस हिंदुओं की एक पार्टी है, इसमें मुस्लिमों को उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, जिस वजह से इन्होंने चीज़ों को शुरुआत कराने का काम किया दोस्तों। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो डायरेक्ट एक्शन डे वॉलेंस दोस्तों, इसमें क्या कहा जाता है, 5,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कहने का मतलब क्या होता है, ये एक एक्शन प्लान ऐसा होता है, नाम से ही समझिएगा, डायरेक्ट एक्शन मतलब कहने का मतलब हम सीधा जा करके एक्शन करेंगे, हमें कोई सरकार नहीं चाहिए, हमें किसी का नहीं सुनना है, हमें सीधा अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही एक शर्मनाक वाली बात है हमारी हिस्ट्री के लिए, हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए। तो लेकिन अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम पीछे जा करके बदल तो सकते नहीं है, बस उसको पढ़ करके UPSC क्लियर कर सकते हैं। कांग्रेस पॉलिसी ऑफ स्ट्रेंथन इंडिया, इंडिया को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस की जितनी सिलसिले चलती आ रही थी वो सारी चीज़ें भी एक पार्टीशन के लिए जिम्मेवार हुआ करती थी। फॉर्मेशन ऑफ वी पाकिस्तान, दोस्तों सबको पता है जो इंडियन मेन सब कॉन्टिनेंट है वो काफ़ी एक पावरफुल लीडर्स हुआ करते हैं, काफ़ी अच्छा एक रिसोर्स भरा देश हुआ करता है दोस्तों। मुझे याद है 2015 में मैं पाकिस्तान गया था, वहाँ गरीबी देख करके मुझे लगा कि नहीं यहाँ पर कुछ भी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है दोस्तों, एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में सबसे लीस्ट अगर किसी स्टेट को देखा जाए जिसके पास बहुत ज़्यादा कम रिसोर्स है वो भी पाकिस्तान से काफ़ी अच्छा रहता होगा, खाता होगा दोस्तों। उसी के साथ ही गांधी एंड पार्टीशन, दोस्तों गांधी और पार्टीशन के बारे में मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, याद रखिएगा दोस्तों, मेरे वर्ड्स को मार्क करके रखिएगा, गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, पार्टीशन हमेशा से चाहते थे कि जो मुस्लिम है वो कराएं, या फिर आप ब्रिटिशर्स हैं वो कराएं, या फिर कांग्रेस का भी जो योगदान है दोस्तों हल्का सा वो चाहते थे कि बेसिक अगर इन लोगों को मन कर रहा है कि जो इनके सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले इन लोगों को तो ये लोग आगे बढ़ सकते थे। तो गांधी जी का जो रोल है दोस्तों पार्टिसिपेशन में कुछ इस तरह से दिखाया है कि उनको ये सारी चीज़ें पसंद बिल्कुल भी नहीं आती थी दोस्तों। इसी के साथ ही साथ ये जितने सारी चीज़ें हैं इनको आराम से पढ़ते जाइएगा, एक थीमेटिकल आइडिया के लिए मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। गांधी जी अपने प्रेयर में, प्रेयर नहीं है बेसिकली, एट हिज डेली प्रेयर मीटिंग्स ऑन 4th June 1947 गांधी जी ने क्या कहा था दोस्तों, कुछ इस तरह से चीजें कही थी, द डिमांड हैज बीन ग्रांटेड बिकॉज यू आस्क्ड फॉर इट एंड द कांग्रेस नेवर आस्क्ड इट, बट द कांग्रेस कैन फील द पल्स ऑफ द पीपल, इट विल रियलाइज दैट द खालसा एज ऑल्सो द हिंदू डिसाइडेड।
तो ये सारी चीजें हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मांग इसलिए मान ली गई थी, मांग आप लोगों की इसलिए मान ली गई थी क्योंकि आपने मांगा था, और कांग्रेस ने ये कभी नहीं मांगा था। लेकिन कांग्रेस लोगों की नब्ज महसूस कर सकती है और उसे महसूस होगा कि खालसा ने भी हिंदुओं ने भी फैसला किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसी के साथ ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो जो हमारे टॉपिक में जो चैप्टर है वो कुछ इस तरह से चीज़ें दर्शाती जा रही हैं कि टुडे आई सी, ये हमारे जो एक लकोना हुआ करते थे, इन्होंने इन सारी चीज़ों की शुरुआत करी थी और उन्होंने कुछ इस प्रकार चीज़ें कही थी कि टुडे आई सी नो साइन ऑफ सच अ हेल्दी फीलिंग एंड देयर फोर आई शेल हैव टू वेट टिल द टाइम कम्स, यानी गुड टाइम्स कम। यानी हम कह सकते हैं कि जो अच्छे टाइम का जो वेट है, एक अच्छा टाइम का हम वेट करेंगे। आज का जो इन्वायरमेंट है दोस्तों हमारे फेवर में नहीं है, और हम कह सकते हैं अच्छे टाइम का हम वेट करते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ा करके ले करके जाते हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टिसिपेशन उभर, पार्टिसिपेशन नहीं है दोस्तों, ये पार्टीशन है। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन की चीज़ें उभर करके आ रही हैं। पंजाब में किस प्रकार हुआ, दिल्ली में, बंगाल में, आप कह सकते हैं कि मास माइग्रेशन के तौर पर, मास का जो मूवमेंट हुआ करता था, जिस तरह से लोग दंगे किया करते थे, आंदोलन किया करते थे, वो एक काफ़ी इम्पैक्टफुल हुआ करता था। और अब लोग कहीं और किसी और जगह माइग्रेट हो रहे हैं, तो वो भी एक सरकार को एक चोट पहुंचा रही है। सपोज़ करिए आज आप पाकिस्तान में हैं, आप ऑफिस के लिए निकले, वापस आते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो घर है वो तो इंडिया में है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही लोगों को परेशान करती थी। इसी के साथ ही साथ रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन का नाम आता है, और ये सारे जितने भी द हिंदूज एंड द सिख माइग्रेंट्स फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान वाइस वर्सा, ये सारी चीज़ें हमारे इनमें दर्शाती रहती हैं। इसी के साथ ही ट्रांसफ़र ऑफ पावर जुलाई 1947 में चीज़ें उभर करके आती हैं। तो ये याद रखिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की चीज़ें हैं, उसी में इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन 1947, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन हुए थे, नेहरू गवर्नमेंट में चीज़ें किस प्रकार आती हैं। तो इसको आराम से पढ़ते रहिएगा, बेसिक बेसिक जितने भी आप लोगों को मैं आइडिया है वो एक टॉपिक वाई टॉपिक बताते जाऊँगा। और कहीं भी कोई डाउट हो, किसी भी हिस्ट्री को या फिर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, तुरंत नीचे कमेंट करिएगा और आप लोगों के सामने मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। इसी के साथ ही साथ आप लोगों को एक चीज़ बताऊं दोस्तों, तो ये अतुल सर ने बहुत अच्छा एक हमारे ही अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी अच्छा करने के लिए उन्होंने मैप का फॉर्मेशन किया है। छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों, सपोज करिए अगर लिखना है राइट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो ये पार्टिसिपेशन पर 3 पॉइंट, ये इंडिपेंडेंस डे पर 3 पॉइंट, ये रीजंस फॉर एक्सेप्टिंग पार्टीशन को इतने सारे पॉइंट्स में है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन के बारे में जितनी सारी चीज़ें हैं, ये वर्थ इट है दोस्तों। तो इसी के साथ ही मैं क्या करूँगा, आज की क्लास को एंड करूँगा। और एक बार अगर आप पढ़िएगा तो चीज़ें कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि पार्टीशन क्या डिमांड था, क्या लोग सेपरेट चाह रहे थे, किन्होंने किया था। हर एक चैप्टर के बाद में जो टेबल है दोस्तों सारा समराइज कर देगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो फिर आपका जो चेहरा है कुछ इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ ही साथ मैं आप लोगों को कहूँगा कि हमारे चैनल को फॉलो करते जाइए, और फॉलो करने का क्या मतलब है दोस्तों, सब्सक्राइब वगैरह करते जाइए, क्योंकि हमारी जितनी चीज़ें आती हैं दोस्तों फ्री में आती हैं, और फ्री में मैं एजुकेशन प्रोवाइड कराने का यानी स्प्रेड नॉलेज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के हमेशा आता रहता हूँ। और किसी को भी पढ़ाई के लिए या फिर यूपीएससी की तैयारी के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आराम से यहाँ आइए, कमेंट करिए, मैं उस पर पर्सनली डाउट उभर करके लेकर के आऊँगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बुक ज़रूर खरीद लीजिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, और उसी के साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे रखा है। तुरंत उसको जुड़िए और उसमें ज्वाइन होइए, और जो भी डिस्कशन होता है उसको कराते ले जाइए दोस्तों। आगे की प्लानिंग में हम लोग करंट अफेयर पर भी बातें करेंगे, किस तरह से देश विदेश में क्या चल रहा है, और करंट अफेयर हमारे यूपीएससी में कितना बड़ा आप कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू और जय हिंद।